हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था, जो नया सिलेबस आपका आया है रीट 2022 का। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपके जो मिनिमम मार्क्स जो आपके मांगे गए हैं 60% आपको जो है लाने होंगे। तो यही चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता रही हूँ कि 60% जो है वो मानकर नहीं चलना है। यदि आप 60% मानकर चलोगे तो आपके 50 या 55% मार्क्स जो है वो आपके आएंगे। ठीक है, और फिर उसका कारण आगे जो है वो क्या रहेगा कि आप सेकंड पेपर जो मेंस का होगा आपका, वो आप नहीं दे पाओगे यदि आप पहला पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए मानकर चलना है कि 80% मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, तब जाके आपके 60% जो है वो आएंगे। और आप यहाँ पर तैयारी करोगे तो यही तैयारी जो है वो आपकी सेकेंड पेपर में भी आपके काम आएगी, जो आपका थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा, जिसको क्वालिफाई करके आप जो है वो टीचर बनोगे। इस चीज का जो है विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं, सिलेबस वही पुराना है, हमें थोड़ी सी रिवीजन, हमने तो पहले ही पढ़ाई कर ली थी, अब थोड़ी सी हम रिवीजन करेंगे और 60% मार्क्स तक तो ले ही आएंगे। रिजल्ट क्या रहेगा कि मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा जो है टफ आ गया, तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो सिलेबस जो है वो आप अच्छे से पढ़ ले। सिलेबस से बाहर तो कुछ भी नहीं आता है और बुक से बाहर भी कुछ भी नहीं आता है, अब पढ़ना आपको है। यहाँ पर जो भी लैंग्वेज वन इंग्लिश के रूप में लेंगे उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज टू जो इंग्लिश लेंगे उसको भी हम देखेंगे। और भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाषा प्रथम और द्वितीय कौन सी लें। सबसे पहली बात कि आपको हिंदी का ज्ञान है, ज़्यादा ज़्यादा आपको व्याकरण आती है, तो आप भाषा प्रथम के रूप में हिंदी को लें, और दूसरी भाषा आप कोई भी भाषा ले सकते हैं हिंदी को छोड़कर, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। यही बात जो है यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश का जो आपको ग्रामर है वो बहुत अच्छे से आती है, तो आप लैंग्वेज वन के रूप में इंग्लिश लें और सेकंड आप हिंदी लें, संस्कृत लें, जो भी आप लें। तो यहाँ इंग्लिश में भी आपके 30 प्रश्न आएंगे, 15 वही आपके शिक्षण विधियों के और 15 आपके जो है ग्रामर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अनसीन प्रोज पैसेज जो है वो लैंग्वेज वन में आपका आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपकी पहली यूनिट रहेगी। दूसरी यूनिट जो है वो क्या रहेगी, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिग्री जो है ये आपकी पूछी जाएंगी। तीसरी जो है उसमें आपके जो है WH क्वेश्चन वाले जो एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तो आपको इसी में से पूछे जाते हैं, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल। बहुत ही आसान होता है इनको याद करना, इनको पढ़ना। ठीक है, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ये सोच लीजिए। हर एक यूनिट में आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिलेगा, यानी हर यूनिट जो है वो आपको 4-5 मार्क्स दिलाती है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। जिसने छोड़ा तो वही सोचिए कि आप लोग जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर छोड़ोगे, मेंस में जाके भी आपको यही चीजें जो है वो पढ़नी होंगी। ठीक है, तो अच्छा तरीका ये है कि अभी से ही पढ़ाई जो है वो डीप में जाकर करें, जिससे कि आगे जाके जो है इतनी ज्यादा परेशानी ना आए। फिर देखिए जो आपकी यूनिट है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पर सिद्धांत आपके पूछे जाएंगे, मेथड पूछे जाएंगे, अप्रोच पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के। फिर आपकी जो है भाषा जो कौशल है, जो आपने हिंदी में पढ़ी थी वो आपकी इंग्लिश में पूछेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होगा, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल और अदर रिसोर्सेज, ये आपका आएगा। ठीक है, लास्ट यूनिट आपकी जो है किसकी होगी, CCE की होगी, जो आपने सतत और मूल्यांकन जो आपने देखा था हिंदी में वही आपके यहाँ इंग्लिश में है, असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन इन लैंग्वेज। ठीक है, असेसमेंट का टॉपिक होगा, मूल्यांकन का टॉपिक होगा, तो ये आपके पूछा जाएगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि 6 से 8 तक की जो बुक्स हैं आपकी चल रही हैं जो स्कूल्स में, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, और कठिनाई स्तर वही 12वीं है। ठीक है, अब कईयों को ये कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं 6 से 8 तक की बुक्स जो है वो लिखी हैं, हम इनको ही पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि आप पढ़ाओगे 6 से 8 तक के बच्चों को, ये तो नॉलेज आपसे मांगी ही गई है, ये तो आपको होनी ही चाहिए, हर चैप्टर आपको
अच्छे से आना चाहिए। लेकिन आप अध्यापक हो, थोड़ा सा बढ़ के जो है वो आपको नॉलेज यदि होती है तो बहुत अच्छी बात है, और आपके एग्जाम में जो है वो इतने अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है मेरी मानिए, क्योंकि लास्ट लास्ट ईयर जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें भी बच्चों को बताया था कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, कठिनाई स्तर 12वीं है, कठिनाई स्तर है यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो आपके 12वीं तक का होता है, लेकिन आपको 6 से 10 तक की बुक यहाँ पर पढ़नी होगी। कौन सी बुक पढ़ोगे आप? तो वही पढ़ोगे जो कि आपकी स्कूल में इस वक्त चल रही है 6 से 10 की, पूरा ग्रामर जो है वो आप पढ़ेंगे, चाहे हिंदी का चाहे इंग्लिश का, जो भी आपने भाषा ली हो। अब हम बात करेंगे आपकी जो भाषा द्वितीय इंग्लिश के रूप में लेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पर भाषा सेकंड इंग्लिश के रूप में यदि आप लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन यहाँ भी 30 हैं और टोटल मार्क्स 30 हैं, हर क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क्स का है। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो आपकी अनसीन प्रोज पैसेज की है, जिसमें आपके लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कर्ड, इन्फेरेंस ये आपके पूछा जाएगा, ठीक है। अनसीन पोयम में आपके जो है देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है इसका, जिसमें आपके 4 मार्क्स जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, इतना आसान होता है ये। एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, आप लोग जो है वो चुटकियों में कर जाएंगे इसको। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत होती है, जो मॉडल्स आपसे पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज जो है वो आपको याद करने होते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो टॉपिक है आपका लिटरेसी टर्म, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप लोग जो है वो मार्क्स ले सकते हो। फिर देखिए बेसिक नॉलेज जो है वो इंग्लिश साउंड और देयर फोनेटिक सिंबल ये आपको होनी चाहिए, ये आपके 5 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपका जो है वो पूछा ही जाएगा। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके आते हैं और आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो आप कर पाओगे। हर जो टॉपिक है उस पर आप ध्यान देना, ऐसा नहीं करना है कि हमें मॉडल्स नहीं करने हैं, क्योंकि ये कठिन होते हैं। क्योंकि देखिए ये आप टॉपिक कर ही जाते हो, एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, एसोनेंस, राइम, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। लिटरेसी टर्म जो है ये भी बहुत ही आसान है, केवल आपको इडियम फ्रेज और मॉडल जो है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर बेसिक नॉलेज जो है वो मांगी गई है साउंड्स की, फोनेटिक सिंबल की, ये भी एक बार प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे इसको नहीं भूलते हैं। फिर आपकी जो ये यूनिट है जिसमें सिद्धांत आपके पूछे जाएंगे, अप्रोचेस पूछी जाएंगी, क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब इंग्लिश जो है लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। मेथड पूछे जाएंगे, इवेल्यूशन के रेमेडियल टीचिंग पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे, 6 से 8 तक की पुस्तकें आपको बहुत अच्छे से रटी भी होनी चाहिए, और क्लास 12 तक का जो है कठिनाई स्तर होगा, तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी 6 से 10 तक की बुक्स जो है वो आप पढ़ें। तो भाषा प्रथम और द्वितीय दोनों की बात हमने यहाँ कर ली है, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है ये सिलेबस जो है एक एक पॉइंट जो है वो आप देखें, तैयारी में जुट जाएं। कुछ कुछ भी जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो आपकी यूं ही नहीं जाएगी, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम होगा आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम, वहां आपके ये सब कुछ काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।